तो ये मैं तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसको लटकाने के लिए ऊपर मैं इसको बांध देता हूँ। यहाँ मैंने एक इसको यहाँ लगाना है। ये देखें चेक्स निकले हैं इसके अंदर माशाल्लाह से, 4 से 5 चेक्स हैं। ये देखें ये इसी घोंसले के अंदर बनाए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद इकबाल, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल ऑल बर्ड्स ब्रीडिंग एंड केयर टिप्स पर। दोस्तों आज की वीडियो फेंसिस के ऊपर होगी, मैं आपको घोंसले लगाना सिखाऊंगा और माशाल्लाह से ब्रीड निकली हुई है वो भी आपके साथ मैं चेक कराऊंगा, क्योंकि आजकल हालात आप मेरी चेक कर रहे हैं, गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। माशाल्लाह से आप यहाँ चेक करें, ये मैंने बाहर लगाए हुए थे घोंसले, इनके अंदर भी ब्रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो भी मैं आपके साथ चेक करूँगा। ये देखें माशाल्लाह से ये तकरीबन काफ़ी पेयर हो चुके हैं, देखें अंदर आप चेक करें। और मैं आपको ये घोंसले मैं दिखा देता हूँ, ये देखें ये मैं घोंसले लगाएँ, ये चेक कर, ये घोंसले मैं लगाऊंगा इसके ऊपर, वो इसी के अंदर ही ब्रीड करेंगे। ये मैं दरख्तों के ऊपर उतार लाया हूँ, पुराने घोंसले थे ये, पिछले साल के जो चिड़ियों ने ब्रीड की थी ये वही घोंसले हैं। और यहाँ भी मैंने लगाए हुए हैं कुछ, इनके अंदर भी ब्रीड है। और मैं आपको लगा के दिखाता हूँ किस तरह लगाए जाते हैं इनके ऊपर। पहले मैं आपको इनकी ब्रीड चेक करा देता हूँ, माशाल्लाह से अच्छी ब्रीड निकली हुई है, वो आपके साथ मैं चेक करवाता हूँ। चलिए आपको ब्रीड चेक कराते हैं। ये देखें दोस्तों, ये इसमें ये मैंने 2 दिन पहले ही लगाया था। ये देखें इसके अंदर भी नेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, देखें ये नेस्ट। और इसके अलावा आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये देखें ऊपर मैंने लगाए थे, इसके ऊपर आप चेक करें माशाल्लाह से चेक्स निकले हुए हैं। ये देखें इसी के अंदर, अभी मैं आपको वाज़े चेक करा देता हूँ। ये देखें चेक्स निकले हुए हैं इसके अंदर माशाल्लाह से, 4 से 5 चेक्स हैं। ये देखें ये इसी घोंसले के अंदर बनाए हुए हैं, ये ऊपर मैंने घोंसला बनाया था। ये देखें इसी के अंदर ब्रीड चली गई है, ये तकरीबन 5 बच्चे निकले हुए हैं। और नीचे ये डब्बा लगाया था, इसमें दोबारा नेक्स्ट शुरू हो चुकी है, एग्स भी आना स्टार्ट हो चुके हैं, एक एग्स ले किया हुआ है। और इसके अंदर अभी नेक्स्ट स्टार्ट है। और ऊपर देखें इस तरफ माशाल्लाह से 4 एग्स ले किए हुए हैं, ये देखें। और भी घोंसले बन रहे हैं, ये देखें इसके ऊपर भी घोंसला बन रहा है और ऊपर भी घोंसला बन रहा है। इसी तरह अंदर आपको चेक कराते हैं अंदर क्या है। ये देखें माशाल्लाह से आप चेक करें फिर से, ये देखें अंदर भी ब्रीडिंग चल रही है इतनी गर्मी में। आपको दिखाते हैं, चेक कराते हैं क्या क्या चल रहा है अंदर। इधर पहली मटकी से चेक कराते हैं आपको, ये देखें एक एग ले किया हुआ है माशाल्लाह से, ये देखें। और इसके ऊपर आप देखें नेस्टिंग हो रही है, इसे एग भी ले किया हुआ है दूसरी मटकी में, नेस्टिंग भी जा रही है और एग भी ले किया। इसके अंदर देखते हैं, ये देखें माशाल्लाह से बच्चे निकले हुए हैं, ये तकरीबन 3 से 4 बच्चे ये भी हैं। ये देखें तकरीबन 4 चिक्स हैं, हेल्दी और एक्टिव, जैसे इतनी गर्मी में चेक से निकले हुए हैं। और ऊपर वाली मटकी आपको चेक कराता हूँ, ये 4 नंबर मटकी है, इसके अंदर मैंने टाइगर पाउडर डाला हुआ था। और ये देखें ये मटकी, इसमें अभी नेस्टिंग हो रही है मेरे ख्याल से, चिक एग्स ले के हुए, ये देखें एग्स ले के हुए इसके अंदर। और पर आपको दिखाते हैं, ये अभी खाली है। और ये मैं आपको तरतीब वाइज दिखा रहा हूँ। और ये देखें इसमें मेरा ख्याल है
अभी नेक्स्ट रंग हो रही है, घोंसला बना रहे हैं अभी, इसके अंदर भी एक ले किया हुआ है। और यहाँ दिखाते हैं एक और मटकी, नेस्टिंग जा रही है और इसके अंदर भी नेक्स्टिंग हो रही है। और ये देखें इसके अंदर और ये देखें माशाल्लाह से चिक्स निकले हुए हैं काफ़ी सारे। ये देखें माशाल्लाह से ये तो 6 से 7 चिक्स निकले हुए हैं, नज़र ऐसे आ रहा है पीछे भी पड़े हुए हैं। माशाल्लाह से ब्रीडिंग गर्मी में भी स्टार्ट हो चुकी है, नेस्टिंग हो रही है। ये देखें इसके अंदर ये देखें एग ले किए हुए हैं और ये भी कर देखते हैं, ये देखें एग्ज ले किए हुए हैं और इस कुत्ते के डब्बे के अंदर भी नेस्टिंग जा रही है। जी दोस्तों ये देखें माशाल्लाह से, अब मैं आपको घोंसले लगाना दिखाता हूँ किस तरह मैं घोंसले लगाता हूँ और ये वहाँ पर नेस्टिंग किस तरह करती हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ। जी दोस्तों अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ और मैं इसको बनाने के लिए ये देखें ये इस तरह एक खाना होता है इसका बना हुआ जहाँ पर ये चिक्स निकालती हैं, मैं इस तरफ इसको काट लूँगा। ये देखें ये होल बन जाएगा, एक ये फ्रॉग बन जाएगा इसके अंदर। और मैं ये वाली अब देखें ये टोकरी इसके अंदर ही फंसा दूंगा ताकि इसके नीचे सुराख होता है कहीं एग ले करें इसके अंदर गिर ना जाए, मैं ये प्लास्टिक का जो होता है इसके अंदर इस तरह घुसा दूंगा। ये देखें मज़बूत हो गया ये, अब मैं बेंडिंग तार से इसको ऊपर चढ़ लगा दूंगा। अब मैं दूसरा बनाता हूँ, ये देखें ये दूसरा है और चेक करूँगा इस तरफ जो साख है इस तरफ मैं इस तरफ काटना शुरू करूँगा इसको दरमियान से। ये देखें ये मैंने काट लिया है, ये देखें ये बन गया। अब ये टोकरी मैंने ये उठाई हुई है ये इसके अंदर मैं फंसा दूंगा टोकरी। अब ये देखें ये बन गया है, अब मैं इसको ऊपर लगा दूंगा और इसी के अंदर ये ब्रीड स्टार्ट कर देंगे। ये देखें दोस्तों अब मैं बेंडिंग तार जो है इसके अंदर डाल के इसको मैं इसके ऊपर लटका दूंगा। ये देखें ये बेंडिंग तार है कि मैंने इसको मुकम्मल तौर पर इसको ऐसे बांध के ना इसको लगा दूंगा इसके ऊपर। मैं दूसरी इसको भी लगा देता हूँ, देखें और मैं इसको दरख्त के ऊपर लटका देता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह लटकाते हैं।
जी दोस्तों, ये मैं तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसको लटकाने के लिए ऊपर मैं इसको बांध देता हूँ। यहाँ मैंने एक इसको यहाँ लगाना है जी, इस जगह पे। ये देखें, ये फिट हो गया। एक मैं वहाँ लगा दूँगा। देखें, इसके अंदर जो ब्रीड होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और एक जो है मैं एक इसके ऊपर यहाँ लगा देता हूँ। इससे गाइस ये दोनों जगह ब्रीड होगी इंशाल्लाह। जो ब्रीड होगी आपके साथ शेयर भी करेंगे और आपको चेक भी कराएंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें और साथ वाले बेल आइकान को लाजमी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ वो हमेशा नोटिफिकेशन के ज़रिए आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, दो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।